जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों ने 3 बीजेपी नेताओं की हत्या कर दी। पीएम मोदी ने ट्वीट करके संवेदना प्रकट की। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा से जुड़े आतंकवादियों ने ताबड़तोड़ बीजेपी नेताओं की हत्या कर कश्मीर घाटी में कोहराम मचा दिया है। आतंकियों ने कुलगाम के वाईकेपोरा इलाके में बीजेपी युवा मोर्चा के महासचिव फिदा हुसैन के साथ उमर हाजम और उमद राशिद बेग पर गोलियां बरसाकर मौत के घाट उतार दिया। तीनों बीजेपी नेताओं की बर्बर हत्या की जिम्मेदारी लश्कर से जुड़े स्थानीय आतंकी संगठन द रेजिडेंट फ्रंट ने ली है। फिदा हुसैन हमारे जनरल सेक्रेटरी थी, उमर हजाम और हारून रशीद, ये तीनों बड़े डेडिकेटेड वर्कर थे। जिस प्रकार से उनकी हत्या की गई, मुझे लगता है कि जिस प्रकार से कुछ पॉलिटिकल पार्टीज जो कश्मीर में एक्टिव होने का प्रयास कर रही हैं। बीजेपी नेताओं की हत्या पर पीएम मोदी ने दुख जताते हुए कड़ी निंदा की है। पीएम मोदी ने कहा है कि बीजेपी के 3 युवा कार्यकर्ताओं की हत्या की मैं निंदा करता हूं। वे जम्मू कश्मीर में अच्छा काम कर रहे थे। दुख के इस समय में मेरी संवेदना उनके परिवार के साथ है। पिछले 6 महीने में ही आतंकियों ने 14 बीजेपी नेताओं की बर्बर हत्या कर हड़कंप मचा रखा है। 4 मई को अनंतनाग में अतल गुलमीर की हत्या की गई। 9 जून को अनंतनाग में बीजेपी नेता और कश्मीरी पंडित सरपंच की हत्या हुई। 30 जून को शोपियां में बीजेपी नेता गौहर भट्ट की हत्या हुई। 5 जुलाई को पुलवामा में शब्बीर भट्ट की हत्या। 8 जुलाई को बांदीपोरा में वसीम बारी उनके पिता और भाई की हत्या। 6 अगस्त को कुलगाम में सरपंच आरिफ अहमद शाह की हत्या। 7 अगस्त को काजीकुंड में सरपंच सज्जाद अहमद की हत्या। 10 अगस्त को बडगाम में हमीद नजर की हत्या। 2012 से लेकर अब तक 20 सरपंच और पंचों की बर्बर हत्या की गई है। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर आए दिन कश्मीर घाटी में हमले हो रहे हैं। परिवार जनों का यही कहना है कि आखिर इनका कसूर क्या था। कैमरा पर्सन सैयद मुर्ता के साथ इरफान कुरैशी, TV9 भारतवर्ष, वाईकेपोरा, कुलगाम। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।